नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है या मेरे पेजेस जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे रेकी एनर्जी की, और एक नॉर्मल एनर्जी की। अगर आपने रेकी नहीं सीखा है तो कैसे आप एनर्जी का बेनिफिट उठा सकते हैं, खास करके फूड एंड वाटर को कैसे चार्ज करें। अब ये तो देखिए, हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे वो भी बताते थे कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसे हमारे भाव बनते हैं। जैसे घर का हम खाना खाते हैं वैसे हमारी ज़िंदगी में एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी ऐसे घर में जाके खाना खा रहे हैं जहाँ पे खाना बनाने वाला आपको मन से नहीं खिला रहा है, किलस के खिला रहा है, या फिर ये सोच के खिला रहा है कि यार ये लोग तो आ गए अब हमें जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा, वैसे ही खाने का टेस्ट भी होगा और वैसे ही खाने के भाव आप, वैसे ही एनर्जीज आप अपने अंदर कंज्यूम कर लेंगे। और जब वो नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव वाइब्स या इस तरह के वाइब्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑरा में हमारे किसी एस्पेक्ट में निकलते हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंस में निकलें, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स में निकले, हमारे हेल्थ में निकले। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि जब आप किसी को अपने घर खाना खिला रहे हैं या आप किसी को अपने घर खाने पे बुला रहे हैं तो आप तभी इनवाइट करिए जब आपका पूरा मन है, आप पूरे मन से उनको बुलाना चाहते हैं, पूरे मन से खिलाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे भाव आप उनको खाने में दे रहे हैं वैसे भाव वो कंज्यूम करेंगे और वैसे ही आपके भी कर्मा फॉर्म होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको आपके नेगेटिव वाइब्स जा रहे हैं या आपका इस तरह के भाव जा रहे हैं तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप अपने लिए नेगेटिव कर्मा करें। अब बात ये उठती है कि किस तरह से हम क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं हमें नहीं पता होता है कि अगला बंदा किस भाव से खिला रहा है। जब हम जाते हैं या हम अगर एनर्जी सेंसिटिव हैं तो हमें वो वाइब्स पता चलते हैं, तो हम किस तरह से इस तरह इन चीज़ों से बचें, किस तरह से उस नेगेटिव फूड को या उस नेगेटिव वाइब्रेशन को कंज्यूम ना करें, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी तरीका होता है रेकी। तो अगर आपने रेकी नहीं सीखा, आप रेकी क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन भी प्रोवाइडेड है, इन पर्सन भी प्रोवाइडेड है। उससे बेटर कोई तरीका नहीं, क्योंकि रेकी में हम ये टेक्निक भी सिखाते हैं कि अगर आप कहीं बैठे हैं और आपके सामने खाना या पानी रखा है या चाय रखी है और वो आपको वाइब्रेशन ठीक नहीं फील हो रही है, आपको डाउटफुल हो रहा है कि वो बंदा या बंदी अच्छे वाइब्रेशन से नहीं कर रहे, तो कैसे बिना उसके नॉलेज में आए आप उस खाने को वहीं पे प्योरीफाई कर दें, उस वाइब्रेशन को वहीं नलीफाई कर दें और आप सिर्फ पॉजिटिव फूड एंड पॉजिटिव वाटर कंज्यूम करें। लेकिन अगर आपने रेकी नहीं सीखा है तो यू कैन डू इट बाय सिंपल इंटेंशंस एंड विजुलाइजेशन, इफ योर विजुलाइजेशन एंड इंटेंशन इज स्ट्रांग। सी, यूनिवर्स इज फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड टू कि अगर आप उसको पॉजिटिव भाव रखते हैं तो वो एनर्जी आपका जाता, जैसे कि उसने नेगेटिव भाव रखा तो वो एनर्जी खाने में आया। इसीलिए जब आप खाना खाएं हमेशा एक प्रेयर करें छोटी सी, अन्नपूर्णा को थैंक्स करें, भगवान को थैंक्स करें, यूनिवर्स को थैंक्स करें कि आपको ये खाने को मिल रहा है। और उस प्रेयर के दौरान ही आप मन मन में कुछ मंत्र चांट कर सकते हैं, जैसे ओम गणपताय नमः का कर लीजिए, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, या अगर आप क्रिश्चियन हैं किसी और धर्म से, तो जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो एक छोटा सा प्रेयर कर सकते हैं। उसमें किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि खाने के टाइम पे बहुत लोग प्रेयर करते हैं। हमारे पुराने रिवाजों में भी विधान था कि खाने के टाइम पे हम प्रेयर करते हैं, तो अपनी प्रेयर से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके प्रेयर की जो मंत्र हैं, जो भावना है, उस पर वाइट लाइट फ्लो हो रही है और ये फूड में जो भी वाइब्रेशंस पहले के हैं वो वॉश ऑफ होके आपकी वाइट लाइट से वो चार्ज हो रहा है। और फिर आप उस फूड को कंज्यूम करिए, फिर उस वाटर को कंज्यूम करिए या फिर उस चाय को कंज्यूम करिए। तो ये आप अपने हैबिट में बना लीजिए, क्योंकि जब ये आपके हैबिट में बनेगा तो किसी को अजीब भी नहीं लगेगा, एंड इट विल यू नो शो योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द फूड। अब जब हम घर में खाते हैं, घर में भी जब हम कभी खाना बनाते हैं या सर्व करते हैं या खाना खाते हैं, हमेशा जब भी हम उस खाने को कंज्यूम कर रहे हैं, वी शुड हैव अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द फूड, gratitude towards the water, gratitude towards the, you know, whatever we are consuming, because there are a lot of people in the world who are not even getting two times of food regularly. लोगों को वो खाने को भी नहीं मिलता है, तो कभी खाने को वेस्ट मत करिए, प्लेट में मत छोड़िए। अगर आपके घर में उतना ही बनाइए जितना ज़रूरी है, और अगर बच जाता है तो ट्राई करिए कि आप उसे कोई कंज्यूम कर ले, किसी नीडी इंसान को जिसको खाना नहीं मिलता है उसको आप साफ सुथरा खाना दे दें, इंस्टेड की बहुत सारा बना के रख लिया और उसमें
काई जम रहा है या वो खराब हो रहा है और आप उसको डस्टबिन में फेंके। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी पानी का अपमान नहीं करना चाहिए। पीने का पानी गिलास में उतना ही लीजिए जितना आपको पीना है, ताकि ये ना हो कि आपने आधा पानी पिया और आधा फेंक दिया। इसी तरह से चाय वगैरह भी, किसी के घर जा रहे हैं अगर आप कम चाय लेते हैं तो आप स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि मैं कम चाय लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ वो चाय आप छोड़े। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, इट्स अबाउट द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द फूड, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द वाटर, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, बिकॉज दैट इज बिन प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्स, दैट इज अ एनर्जी। सो हमेशा आप अपने खाने को ब्लेस करिए, अपने वाटर को ब्लेस करिए, अपने जो भी आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, बेशक आप चाहे नमकीन खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हमेशा ब्लेस करके खाइए। तो इससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस बनाने वाले की अगर हैं किसी वजह से, वो भी वॉश अप होंगी। अगर आपके खुद की भी हैं टुवर्ड्स द फूड या टुवर्ड्स यू नो यू, इफ यू हैव बीन अनग्रेटफुल टुवर्ड्स वॉट यू आर गेटिंग इन अ लाइफ, यू विल स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स वॉट यू आर रिसीविंग इन अ लाइफ। और जब आप ग्रेटफुल रहते हैं, ब्लेस करके खाते हैं, ब्लेस करके पीते हैं, तो वैसी एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं। एंड बिलीव मी, ये कोई छोटी बात नहीं है, जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको अपने अंदर चेंज फील होगा, आपको वो खाना खाने में अच्छा लगेगा, उस खाने का टेस्ट डिफरेंट फील होगा, उस पानी का टेस्ट डिफरेंट फील होगा, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस डिफरेंट होगी। तो बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप और कौन से टॉपिक्स पे मुझसे वीडियोस लेना चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि किस तरह के टॉपिक्स पे लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और मैं वैसे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।